लेकिन सवाल ये है इसका था कि हाँ मुसलमानों को गाली देके बाबा फिर से पॉपुलर होने की कोशिश कर रहा है, 2014 के पहले कही थी, उसकी एक लिस्ट बनाकर इससे पूछें कि भाई जो वो तूने कहा था वो क्या मुंह से ही कहा था या नहीं। और दूसरी बात रही व्यापार का, हाँ व्यापारी तो तुम हो, राष्ट्रीयकरण को व्यापार में डाल के जिस तरीके से तुमने अपने थर्ड क्लास प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश की है, जिसको नेपाल से लेकर दुनिया के कई देशों ने बैन कर दिया है, उन प्रोडक्ट को बेच के तुमने पैसे तो कमा लिए। और अभी अडानी का हाशर तुमने देखा होगा 4 दिन पहले क्या हुआ है, कि अब तो अडानी का हाशर हो गया, अब अगले नंबर पे लाला का ही हाशर। हो सकता है व्यापार में नुकसान के बाद आदमी का दिमाग थोड़ा हिल गया हो उनका, ऐसा भी होता है। सत्ता का धक्का, सत्ता के धक्के से बात शुरू हो जाता है और कुछ पैसे वो कमा लेता है तो कई बार वो बहकी बहकी बातें करता है। एलन मस्क खुद कई बार बहकी बहकी बातें करता है। सवाल ये है आखिर पैसे से ये पेट्रोल बेचवा रहा था, लाखों रुपए है काला धन ये ला रहा था विदेश से, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि मोदी आ जाएंगे तो इतने इतने रुपए सबको मिल जाएंगे, भ्रष्टाचार मिट जाएगा, लोकपाल आ जाएगा, ये सारी चीजें कब होंगी लाला जी? एलन मस्क से ज्यादा अमीर होता अगर व्यापार के बारे में सोचता लाला रामदेव, श्री श्री लाला रामदेव का आज का बयान है, इसको कैसा देखते हैं? क्योंकि बाबा से लाला बने रामदेव अब कह रहे हैं कि अगर उन्होंने व्यापार के बारे में सोचा होता तो आज वो एलन मस्क से ज्यादा अमीर होते। क्या आप इसको ऐसा मानते हैं? लेकिन नशा जो है वो कई प्रकार का होता है। एक होता है सत्ता का नशा, सत्ता के नशे में जब आदमी चूर हो जाता है और कुछ पैसे वो कमा लेता है तो कई बार वो बहकी बहकी बातें करता है। एलन मस्क खुद कई बार बहकी बहकी बातें करता है। तो ये जो बाबा रामदेव हैं, ये जो बहक जाते हैं बीच बीच में, तो इनका प्रॉब्लम ये है कि जब आदमी नशे में होता है तो वो बहक जाता है। तो इनकी बहकी हुई बातों पर ध्यान ना दें। जो बातें इसने पहले कही थी 2014 के पहले कही थी, उसकी एक लिस्ट बनाकर इससे पूछें कि भाई जो वो तूने कहा था वो क्या मुंह से ही कहा था या नहीं। सवाल ये है 30-35 रुपए ये पेट्रोल बेचवा रहा था, लाखों रुपए है काला धन ये ला रहा था विदेश से, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि मोदी आ जाएंगे तो इतने इतने रुपए सबको मिल जाएंगे, भ्रष्टाचार मिट जाएगा, लोकपाल आ जाएगा, ये सारी चीजें कब होंगी लाला जी? ये बताओ ना, पेट्रोल 30 रुपए कब बिकेगा? अब तो 100 रुपए बिक रहा है और इस वक्त जो है कांग्रेस सरकार से भी कम रेट का पेट्रोल है, 2014 में जो रेट था पेट्रोल का उससे भी कम रेट में पेट्रोल बिक रहा है इंटरनेशनली। ओ, उस वक्त जो पेट्रोल 60-65 रुपए बिक रहा था तो आप परेशान हो रहे थे, आज पेट्रोल बिक रहा है 100 रुपए तो आप कुछ बोलते नहीं हो। और दूसरी बात रही व्यापार का, तो हाँ व्यापारी तो तुम हो, राष्ट्रीयकरण को व्यापार में डाल के जिस तरीके से तुमने अपने थर्ड क्लास प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश की है, जिसको नेपाल से लेकर दुनिया के कई देशों ने बैन कर दिया है, उन प्रोडक्ट्स को बेच के तुमने पैसे तो कमा लिए। और जब आदमी पैसे कमा लेता है तो ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि मैं एलन मस्क बन जाता और मैं ब्रस्ट बन जाता। अभी अडानी का हाशर तुमने देखा होगा 4 दिन पहले क्या हुआ है, कि अब तो अडानी का हाशर हो गया, अब अगले नंबर पे लाला का ही हाशर है। इस दौरान हमने देखा कि लगातार बाबा रामदेव के जो बहके बहके बयान थे, बयान इस कदर भी थे कि वो मुस्लिम मुखालिफिन बयान भी देने को मजबूर हो गए थे। व्यापार में भी हम देख रहे हैं कि कई रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि लगातार नुकसान जो है वो व्यापार में होता जा रहा है। तो कहीं ये क्या ये हालात हैं जो बाबा रामदेव को? हो सकता है व्यापार में नुकसान के बाद आदमी का दिमाग थोड़ा हिल गया हो उनका, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह के बयान देने के पीछे ये भी कारण हो सकता है। अभी तो डॉक्टर ही जांच करके बता पाएगा कि क्या है, कौन सी जड़ी बूटी खा ली उन्होंने जिससे उनका दिमाग हिल गया और बहकी बहकी बातें करने लगे, ये तो जांच का विषय है। लेकिन सवाल ये है इतना था कि हाँ मुसलमानों को गाली देके बाबा फिर से पॉपुलर होने की कोशिश कर रहा है, जिसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। और अभी जो बाबा का रिसेंट बयान आया था, उस बयान के बाद जो है ये पता लगा कि ये दिमागी तौर पर दिवालिया हो चुका है। और एक उप मुख्यमंत्री की बीवी खड़ी थी स्टेज पे, इसने एक बयान दिया महिलाओं के खिलाफ अभद्र टाइप का, उससे भी पता लगा कि इसकी जो है अब दिमागी तवाजुन इसका थोड़ा ढीला हो गया है। तो खैर मसला ये है कि बहुत लंबा है, रेस के घोड़े नहीं है ये, इन्होंने जो वादे किए थे, जो चीज़ें कही थी वो सब हवा में एक्सपोज हो गई हैं। आई थिंक 24 के बाद इनका जो है मामला जो है वो भी ठाए ठाए पुश हो जाएगा।